देखिए 17 और 18 तारीख को बेंगलोर में मैं विपक्ष की नहीं इस देश के प्रमुख राजनीतिक दल, आप विपक्ष नहीं कह सकते क्योंकि जो बैठक पटना में हुई थी उसमें उद्धव जी ने कहा था कि विपक्ष नहीं कहना, हम राष्ट्रभक्त पार्टी सब लोग। तो ये सब जो पार्टी है लगभग उस वक्त 17-18 पार्टी थी, इस बार और 4 पार्टी बनने वाली है। बेंगलोर में हम मिलेंगे, कांग्रेस पार्टी की वहाँ की सरकार होस्ट है। 17 तारीख को शाम को ये बैठक शुरू होगी फर्स्ट पार्ट। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने डिनर का भी आयोजन किया है सबके लिए। फिर दूसरे दिन ये बैठक 11 बजे शुरू होगी। इस बार की बैठक जो है वो निर्णायक बैठक होगी, बहुत सी बातें उसमें तय होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे साहब जाएंगे, आदित्य जी जाएंगे और मैं खुद उनके साथ रहूँगा। मुझे लगता है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार साहब भी उस बैठक में शामिल होंगे महाराष्ट्र से, और कांग्रेस पार्टी का आयोजन कर रही है। सर काफी महत्वपूर्ण बैठक है ये मान के चले क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव बैठक तो महत्वपूर्ण है, पूरा तैयारी का जायजा ले लेंगे, सीट शेयरिंग का विषय है, कोई गिले शिकवे होते हैं थोड़े बहुत उस बारे में चर्चा होगी। लेकिन यह बैठक जरूर जैसे आप कहते हो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। सर एक और बताना चाहेंगे, राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री को टिप्पणी करते फ्रांस के दौरे पे थे प्रधानमंत्री, वहाँ यूरोपियन में मणिपुर का जिक्र किया गया जो हिंसा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री एक बात में एक कहीं भी लफ्ज का कहीं जिक्र नहीं करते। इसी के बाद से स्मृति ईरानी जो ट्वीट करते जो कि केंद्र मंत्री बीजेपी की, उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि वो फ्रस्ट्रेटेड नेता जिस तरह का बयान दे। नहीं फ्रस्ट्रेटेड नेता राहुल गांधी जी कैसे हो सकते हैं, मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, मणिपुर में जो प्रकार की हिंसा चल रही है सरकार पूरी तरह से नाकाम है। अगर ये किसी और राज्य में होता और जहाँ बिगर बीजेपी शासित राज्य होता तो यही सब लोग चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे स्मृति जी हो, हाँ उनकी भाषा बदली से आप देखते, वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगाया होता, वहाँ की सरकार बर्खास्त होती। लेकिन क्या ये सच नहीं, मणिपुर की हिंसा के बारे में प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात अब तक लोगों के सामने देश के सामने नहीं रखी है। मणिपुर की हिंसा के बारे में यूरोपियन पार्लियामेंट पर चर्चा होती है तो उसमें गलत क्या है, अगर पूरे विश्व को चिंता है लेकिन विश्व गुरु को चिंता नहीं। राहुल गांधी देश के नेता है, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी ने लगभग 4,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की है पैदल, उनको लोगों का समर्थन है। देश के एक हिस्से में अगर इस प्रकार की हिंसा है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों की हत्या हो रही है, लोग बेबस और बेघर बन गए, लावारिस बन गए, उस बारे में देश का नेता चिंता व्यक्त करता है तो फ्रस्ट्रेशन की बात, कहाँ फ्रस्ट्रेशन है हमें कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार आँख खोल कर इंसान देख रही है सिर्फ। तो किसी भी एक नागरिक जो देश का है संवेदनशील उसको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। सर एक और सवाल जाना है, देवेंद्र फडणवीस का नासिक में कहते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ना राजनीति के नॉलेज है, ना बजट की नॉलेज, ना कॉर्पोरेटिव सेक्टर का नॉलेज। वो देख लेंगे। तो आप बताइए किसको नॉलेज, आपको नॉलेज है? जिस तरह से आपने खोखे वाली सरकार बनाई है ये नॉलेज हमको नहीं, ये सच है। भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचारियों को समर्थन देना, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकारें बनाना, सरकारें गिराना, इसका नॉलेज तो हमें नहीं है, हम ये बात मानते हैं। अगर आपको ये नॉलेज है तो हमारी आपको शुभकामनाएं। सर एक और सवाल जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने जिक्र किया जहाँ पे बिहार बीजेपी के राज नहीं है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की बातें करते हैं, वहीं बिहार में जिस तरह से हिंसा हुई बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई, इस मामले में मनोज तिवारी कहते हैं कि ये प्री प्लान था। बात ऐसी है कि इस बड़ा आंदोलन है
वहाँ की सरकार का अंतर्गत मामला स्टेट का मैं बात नहीं करूँगा। चलो बैठक होना है आणि त्याच बैठकी सोबत आता भाजप देखील बैठक घेणार आहे, त्या बैठकी समोर अशी बैठक तिन्ही पण बघा, ही काय स्पर्धा नाही आहे, आम्ही आमचं काम करतो आहोत। पाटण्यानंतर आता बेंगलोरला बैठक होते, पाटण्याच्या बैठकीला 18 प्रमुख पक्ष राजकारणातले उपस्थित होते, विरोधी पक्ष नाहीत म्हणत त्यांना मी, प्रमुख देशभक्त पक्ष जे लोकशाही टिकवण्यासाठी हुकुमशाहीच्या विरोधामध्ये जनतेच्या प्रश्नावर ते एकत्र येऊ इच्छितात, असे किमान 22 ते 23 पक्ष एकत्र येतील आणि 2024 निवडणुकासंदर्भात आपल्या भूमिका तिथे मांडतील, एकत्र काम करण्याविषयी काही तिथे करारमदार होतील। महाराष्ट्रातून शिवसेनेच्या तर्फे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे असतील, आदित्य ठाकरे जे असतील, मी स्वतः त्यांच्याबरोबर आहे। मला वाटतं महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार साहेब असतील आणि देशभरातून सगळे प्रमुख लोक येत आहेत। 17 तारखेला संध्याकाळी सोनिया गांधींनी सगळ्यांसाठी एक रात्रीचं भोजन म्हणजे डिनरची आयोजन केलेलं आहे, बैठकसुद्धा रात्री सुरू होणार आहे। 18 तारखेला सकाळी परत बैठक सुरू होईल, 2 टप्प्यात बैठक आहे। सर, काही दिवसांपूर्वी आपण दावा केलेला होता की मुख्यमंत्री कार्यालयाचे राज्यातील कारागृहांमध्ये जे गुन्हेगार आहेत त्यांचे संपर्क आहे, त्याचबरोबर क्राईम ब्रांचने आपल्याला काही माहिती दिली? बघा, मी असं ऐकलं आहे, अशा नोटिसा पाठवलेल्या आहेत, अशा नोटिसा आल्या तर मी पुराव्यासह उत्तर देईन, नक्कीच उत्तर देईन। आणि सध्याचं सरकार हे गुन्हेगारांना पाठीशी घालणारं सरकार आहे, सगळ्यांना माहीत आहे। तसं नसतं तर ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे, लूटमारीचे, देश बुडवण्याचे आरोप आहेत ते तुमच्या सरकारमध्ये सामील झाले नसते, तुम्ही त्यांना सामील केलं नसतं। माझ्या म्हणण्याला तो आधार आहे, ज्यांच्यावर चार्जशीट आहेत, आरोपपत्र आहेत, जामिनावर सुटलेले आहेत ED CBI आणि इतर न्यायालयात, ते तुमचे सहकारी आहेत। मग मी बोलतो आहे त्या तथ्य आहे ना, आणि बाकी गावगुंडांना गोळा केलेलंच आहे, गावगुंडांना बाहेरकडून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारांची त्यांच्यावर सोडायचं निवडणुकीच्या माध्यमातून, हे आमचं धोरण आहे। राऊतांना राऊत बोलले की नोटीसा पाठवतात, मात्र राऊतांनी अनेक प्रकरण भ्रष्टाचाराची गाडी होती, त्यावरती अजून काही सरकार काही बोलली नाही। नक्कीच राहुल कुल, राधाकृष्ण विखे पाटील, झाकीर नाईक कडून घेतलेला फंड, दादा भुसे, अशी अनेक प्रकरणं मी वारंवार दिली। अब्दुल सत्तारचं प्रकरण किती गंभीर आपण पाहताय, हे गुन्हेगार नाही आहेत का? हे गुन्हेगार नाहीत का? ह्यांना वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन जात नाहीत का? याचं उत्तर द्यावं मला नोटीस पाठवणाऱ्यांनी, आधी त्यांना नोटीसा पाठवा, त्यांना चौकशी बोलवा, मग बघतो मी। चर्चा होऊ द्या अधिवेशनात, चर्चा तर होऊ द्या आणि चर्चा तर होणारच, काही हरकत नाही। आत्ता सामनातलं मी जे लिहिलं आहे रोखोक ते वाचा, म्हणजे मला कलंक शब्दाचा खरा अर्थ कळेल। त्यांचा फार जिवारी लागलेला आहे, सत्य फार आरपार बोसतं। ये दावा किया था आपने कि ये सरकार कई सारे क्रिमिनल से कनेक्टेड है, इसको कैसे आप? ये सरकार जो है यही एक क्रिमिनल एक्ट है, ये जो सरकार बनी है यही एक क्रिमिनल एक्ट है, षड्यंत्र है। बड़े बड़े गुनहगार अपराधी इस सरकार में है, है या नहीं बताइए? जो जमानत पर छूटे हैं या जो इंटरिम बेल पर है, करप्शन, धोखाधड़ी, ऐसे मामले में जो लोग है, विधायक है, उनको मंत्री बनाया है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है, कौन कितने झूठे मक्कार और बदमाश और गद्दार बेईमान लोग हैं देश डुबाने वाले, अगर ये आपकी सरकार में बैठे हैं तो मैंने क्या गलत कहा है? जेल में लोग ये भी है, मैं उनके बारे में जो एविडेंस है उसके साथ में अगर मुझे नोटिस मिलती है तो मैं जवाब दे दूँगा। चलो ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट।